दोस्तों, समाजवादी पार्टी की नींव रखने वाले मुलायम के परिवार के 21 मेंबर राजनीति में एक्टिव हैं। इस मौके पर आज मैं कुछ अनसुने अनजाने फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, अखिलेश यादव पर लिखी सुनीत आरोन की किताब बदलाव की लहर में मुलायम फैमिली से जुड़ी कई पर्सनल बातें भी दर्ज हैं। इसी किताब की लेखिका के मुताबिक रामगोपाल यादव के बड़े बेटे असित उर्फ बिल्लू की कम उम्र में मौत हो गई थी। बिल्लू अपने स्कूल फ्रेंड अभिलाषा से बहुत प्यार करते थे। कॉलेज पूरा होते ही दोनों ने शादी करने की ठान ली और दोनों के परिवारों ने इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। 1999 में धूमधाम से असित और अभिलाषा की शादी कर दी गई। एक महीने के बाद ही फैमिली की नई बहू प्रेग्नेंट हो गई। शादी के 40 दिन के बाद एक रोड एक्सीडेंट में असित की मौत हो गई। जवान बेटे की अर्थी और प्रेग्नेंट बहू को विधवा देखकर राम गोपाल यादव बेहद दुखी हुए। दोस्तों, अभिलाषा प्रेग्नेंट थी। मुलायम सिंह और घर के अन्य मेंबरों ने साथ में मिलकर अभयराम यादव के बेटे अनुराग से शादी करवाने का प्रस्ताव रखा। इतनी जल्दी पति का साथ छूटने से वो पूरी तरह टूट चुकी थी और उन्हें शादी करने से साफ मना कर दिया। 4 साल तक घरवाले उन्हें नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए समझाते रहे। तब कहीं जाकर 2004 में वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार हुई। इस शादी के बारे में अनुराग यादव कहते हैं, मैं अभिलाषा और बिल्लू तीनों स्कूल फ्रेंड थे। मैं उसे दुखी नहीं देख सकता था। मुझे लगा कि इसकी देखभाल करना अब मेरी जिम्मेदारी है। उसे संभालने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आज वो मेरी हमसफर है। दोस्तों, अखिलेश और बिल्लू साथ साथ खेला करते थे, साथ साथ शरारतें की, साथ साथ लखनऊ से लेकर सेफई तक की गलियां की खाक छाने और साथ ही पॉलिटिक्स में आए। लेकिन एक दिन अचानक उनमें से इस एक ने दुनिया छोड़ दी। यह कहानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे असित रूप बिल्लू की थी, जिसकी एक वक्त मिसालें दी जाती थी। यह वही बिल्लू था जो कि मुलायम सिंह यादव का सहयोगी था और जब मुलायम यूपी की राजनीति में अपना परचम लहरा रहे थे तो उनसे होने वाली मुलाकातों को तय करने का काम किया करता था। समाजवादी पार्टी के बुजुर्ग नेता संगीत यादव बिल्लू को याद करते हुए बेहद भावुक हो जाते हैं। वो बताते हैं कि बिल्लू का जो नेटवर्क था वैसा नेटवर्क किसी का नहीं है। उनके पास अखिलेश और नेताजी के एक एक पल का हिसाब रहता था। अगर कहें कि वो रामगोपाल से ज़्यादा अपने चाचा मुलायम सिंह यादव को प्यार करते थे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी रामगोपाल यादव के बड़े बेटे के बारे में कुछ अनसुनी जानकारी। धन्यवाद।